नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करते हैं दी 100 का एलिमिनेटर जो कि होने वाला है मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस साउदर्न ब्रेव के बीच में। दोस्तों ये होम ग्राउंड दोनों टीम का नहीं है, वेन्यू चेंज है दोस्तों कैनिंगटन ओवल, मतलब कि लास्ट दो सीजन पे यहीं पे फाइनल सेमीफाइनल या फिर एलिमिनेटर कह सकते हो यहीं पे हुए थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं टॉस बेनिफिट की, तो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है, देखो प्रेशर वाला गेम है तो यहाँ पे टीम पहले बैटिंग ही करना चाहेगी दोस्तों, ना ज़्यादातर ना मतलब कि जो फाइनल सेमीफाइनल जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट मैच होते हैं किसी टीम के लिए, तो वो टीम ज़्यादातर पहले बैटिंग करती है, प्रेफरेंस देती है। उसका रीज़न यही होता है कि क्लियर कोई मतलब कि यदि बैट्समैन के ऊपर दबाव आ जाता है ना तब वो टीम जीत नहीं पाती है दोस्तों, आपको खुद को पता है। तो यहाँ पे जो टीम टॉस जीते और जो टीम पहले बैटिंग करे आपको उसको प्रेफरेंस देनी है, और उसमें भी जो 3 नंबर का बल्लेबाज है उसको आपको कैप्टनसी बनानी है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं विकेट स्प्लिट की, तो यहाँ पे 66% पेसर को हेल्प मिल रही है, तो कहने का मतलब है कि स्पिनर को कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की रहेगा। वीसी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छे स्पिनर है जैसे रियान अहमद है, जो अच्छे स्पिनर है उनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अन्यथा आप उनको नॉर्मल प्लेयर की तरह पिक कर सकते हो दोस्तों। कई ऐसे प्लेयर है, ऐसे पेसर है जिनको मतलब कि कैप्टनसी जनता पिक नहीं कर रही है, जॉर्डन के साथ में जा रही है। अदर प्लेयर भी अच्छे हैं, टाइमन मिल्स और जॉर्डन के साथ में जा रही है, और बचे हुए पेसर को कोई पिक नहीं कर रहा है एज ए कैप्टन। लेकिन मैं बताऊंगा कि ऐसे 2-3 पेसर है जो कि कैप्टनसी बनने वाली चॉइस है दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले बढ़े तो अपन बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे अपन आ गए अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे देखो दोस्तों मतलब कि आपने टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो पता है कि ग्रैंड लीग मिस हुई थी। वहाँ पे देखो T10 में इसमें क्या होता है, लिटरली आपकी टीम आउट ऑफ जोन ज़्यादा जाती है और विनिंग कम होती है, लेकिन यदि आपके पास में एक्यूरेसी है T10 के बारे में, मैच के बारे में, मतलब वो पता है कि प्लेयर अच्छे हैं कंटिन्यू अच्छा कर रहा है, तब आप सॉफ्टवेयर की तरफ से जो प्लेयर आप अच्छा करें उनको फिक्स कर लो। और लिटरली कह रहा हूँ यदि आप 5 प्लेयर फिक्स कर रहे हो और वो यदि वो ड्रीम टीम में आ जाते हैं और आप 10 टीम क्रिएट करते हो तो वहाँ पे 95% चांस बनते हैं कि आपकी टीम बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्क्रीन शॉट है दोस्तों आपको मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आप मैच में जाके भी चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये T10 मैच का था दोस्तों, बहुत सारे स्क्रीन शॉट है ऐसे, ये देखो ये हमारी टीम थी, यहाँ पे देखो इनकी रैंक आई थी ना 752.5, ये देखो दोस्तों 752.5 इन्होंने खुद ने टीम बनाई दोस्तों। ये T10 आपको पता है कि T10 की हम टीम शेयर नहीं करते, उतने बस मात्र इनकी मतलब कि ज़्यादा पॉइंट डिफरेंस नहीं थे, 7 पॉइंट से 7 लाख रुपये इनका नहीं जीत पाए दोस्तों। ये तो देखो लकी बात होती है, अब 53,000 आई ये इनको ये भी देखना चाहिए है ना। तो वही चीज़ है कि देखो दोस्तों हमें यदि हमारी रैंक यहाँ पर इनकी रैंक आती बिलो 50 तो इनको लगता है भाई टॉप 3 में कवर कर जाते तो अच्छा रहता। तो फैंटेसी में देखो ग्रैंड लीग का मतलब यही होता है, यदि आपको लॉस हो रहा है ना तब आप ग्रैंड लीग को छोड़ो मत दोस्तों, लीव मत करो। यदि आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ग्रैंड लीग खेलते हुए तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनकी जगह स्मॉल लीग में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन जो ग्रैंड लीग में लॉस खा चुके हैं है ना, तो वो ग्रैंड लीग को छोड़े नहीं, उनको हमेशा ग्रैंड लीग खेलनी चाहिए है ना दोस्तों। और जो मैच आपके बाद में मतलब कि कई मैच ऐसे होते हैं जहाँ पे ना कई प्लेयर इग्नोर करते हैं और आपको उस मैच के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो मैच आप खेल लिया करो और वहाँ पे आप प्लेयर को फिक्स कर लिया। इन भाई ने ना कई मतलब कि 4-5 प्लेयर को इन्होंने फिक्स किया था दोस्तों, और वहाँ पे क्रिएट रेंज भी इन्होंने एक्यूरेसी के साथ में सेलेक्ट की थी, उनकी टीम बन गई दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादातर आपको ना सॉफ्टवेयर एक्यूरेट टीम बना के देगा, बस थोड़ा बहुत जो कॉम्बिनेशन पार्टीशन है वो आपका थोड़ा बहुत सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम आते अपने नोट्स पे, बात करते हैं दी 100 की एलिमिनेटर की बात मिनटर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अपने हाई सिलेक्शन लो सिलेक्शन की, जहाँ पे जनता पिक कर रही है और ड्रॉप कर रही है। ये जो 9 प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाई सिलेक्शन है, इनमें से मेरे हिसाब से कौन फ्लॉप हो सकते हैं, देखो कीपिंग साइड में से कॉनवे बटलर और फिलिप साइड, तो अकॉर्डिंग टू मी जो टीम का फेवर कर रहे हो, यदि आप SOB को फेवर कर रहे हो तो बटलर फ्लॉप होंगे, यदि आप मैनचेस्टर को फ्लॉप मतलब फेवर कर रहे हो तो आपके डी कॉर्नर फ्लॉप होंगे, सीधी सी बात है दोस्तों, ठीक है। बैटिंग साइड से कोई फ्लॉप नहीं, एक प्लेयर जेम्स विंस है, और विंस की टीम है ना अच्छा करती है दोस्तों, पहला सीजन यही टीम जीती थी फाइनल आपको पता है, और उस सीजन तो विंस ने क्या खेले थी बैटिंग, आपको खुद को पता है। विंस एक शानदार बल्लेबाज है, इस सीज़न इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, हो सकता है कि ये मुकाबला जीत जाए, अगला मुकाबला भी इनकी टीम फाइनल खेले ऑल इंडिविजुअल के साथ में, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों कि विंस आज के मैच में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि ये पहले बैटिंग कर रहे ना
तो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है जेम्स विलियमसन की दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ऑलराउंडर में से, तो मेरे को लगता है ना ही जॉर्डन चलेंगे ना ही ओवरटन चलेंगे, पी वॉल्टर भी, इन तीनों में से एक ऑलराउंडर पिक करना है दोस्तों, लिटरली एक ऑलराउंडर आज के मैच में परफॉर्मेंस दिखाएगा। बात करते हैं बॉलिंग साइड से, टाइम एंड विल्स भी आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आप रियान अहमद, पी वॉल्टर इनको पिक करो, या फिर रियान अहमद और जिमी ओवरटन जिसको ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये हाई सिलेक्शन था, इनमें नौ प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नौ में से आपको मात्र छः या पाँच प्लेयर पिक करने हैं दोस्तों, दो कीपर, एक बल्लेबाज, एक बॉलर, एक ऑलराउंडर दोस्तों, पांच प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं लो सिलेक्शन की, ये जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं सारे लो सिलेक्शन है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो एसओबी के प्लेयर ज़्यादा हैं इन कम्पेयर टू मैनचेस्टर दोस्तों, ठीक है, मैनचेस्टर में लो सिलेक्शन प्लेयर ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो फिन एलन है, पिक एंड ड्रॉप वाली कंडीशन है यहाँ पे दोस्तों, और ल्यूस डुप्लो अच्छे पिक है, एशन टर्नर, लॉरी वांस, वियान मेडसन। देखो दोस्तों, वियान मेडसन ने एक ही मुकाबला खेला है इस सीज़न, जो कि लास्ट मैच खेला था दोस्तों, अगेन ये मुकाबला खेलते हैं, टॉप फोर में बैटिंग करते हैं, तो इस प्लेयर को ड्रॉप करना बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। हालांकि इनका परसेंटेज सिलेक्शन कम है, लेकिन इस बल्लेबाज ने इसी सीज़न T20 ब्लास्ट के अंदर कंटिन्यू 4 से 5 50 की थी, कंटिन्यू 4 से 5 50 की थी किसने, वियान मेडसन ने दोस्तों। तो शानदार बल्लेबाज है, आला दर्जे का बल्लेबाज है, अपना विकेट कभी भी फॉल नहीं करने देता ओपोनेंट के बॉलर्स को, तो ये ना डट के खेलता, कहते हैं मतलब कि विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, मतलब कि विकेट इजी अपने आसान तरीके से विकेट फॉल नहीं करते, वैसा ये प्लेयर है वियान मेडसन, जो कि अच्छी टेक्निक से खेलता है और लंबा खेलना जानता है दोस्तों। ठीक है, बैटिंग साइड से दो इंपॉर्टेंट है, ल्यूस डुप्लो, वियान मेडसन। ऑलराउंडर में से जी कार्टन अच्छे पिक है दोस्तों। बात करते हैं बॉलिंग साइड से, तो दो क्या मतलब चारों अच्छे बॉलर है, चारों अच्छे बॉलर है, एकदम शानदार बॉलर है, जो स्टोंगे जो कि नए बॉलर है, और सी हैरिसन जिन्होंने इस सीजन तो दो ही मुकाबले खेले हैं, एक में इन्होंने मतलब दो खेले थे, एक में तो विकेट लेस गए थे, और जब पहला मुकाबला खेला था ना इन्होंने 5 से 6 विकेट निकाले दोस्तों, सी हैरिसन ने, जनता इनको पिक नहीं करेगी दोस्तों। ठीक है, जमन खान को आप जानते हो, जमन खान पहले बॉलिंग करते तभी पिक करना, अन्यथा इनको ड्रॉप कर देना। टॉम हार्टले पिक एंड ड्रॉप करो, क्योंकि ये ना एवरेज विकेट निकालते हैं, एक या फिर दो विकेट, इससे ज़्यादा विकेट नहीं निकालते दोस्तों। तो यदि आप हैरिसन को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों, दो बॉलर को ट्राई करना है, किसी दो बॉलर को ट्राई करो, हैरिसन, टॉम हार्टले पिक कर लो, हैरिसन, जोश टोंगे, या फिर जमन खान और टॉम हार्टले को ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये थी अपनी लो सिलेक्शन हाई सिलेक्शन। अब बात करते हैं मेरी कैप्टनशिप की दोस्तों, अपने कैप्टन रहेंगे फिलिप साल्ट, जेम्स विंस, रियान अहमद, जोश टोंगे। ठीक है, वीसी की बात करें, बटलर, कॉनवे, ल्यूस डुप्लो और क्रिस जॉर्डन और आपके सी हैरिसन। अब यहाँ पे कैप्टनशिप में मैंने वियान मेडसन को ऐड नहीं किया था, आप चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप मेडसन को फॉलो कर रहे हो और विंसी को आप कैप्टन जरूर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये थी अपनी सीवीसी की बात, और अपने लो सिलेक्शन हाई सिलेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट होता है मेरी वीडियो के अंदर दोस्तों, वो जरूर आप फॉलो करना दोस्तों। देखो, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेंज मेरे को लग रहा है एसओबीए में जीतेगी, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेंज, जिसकी क्रेडिट हाई होती है वो टीम मुकाबला जीतती है। मैं मतलब कि कम से कम 20 T20 मैच एनालाइज किया, 100 मैच कर सकते हो, मैंने देखा है उनमें से 14 मैच ऐसे हुए जिसकी क्रेडिट हाई थी ना वही टीम मुकाबला जीती है। वहाँ पे उसका टॉस मैटर नहीं करता दोस्तों कि वो टीम टॉस जीती है कि हारी है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस टीम का क्रेडिट हाई है वो टीम उस मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है दोस्तों, ये बात है। ठीक है, जैसे कि आपने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वाला मुकाबला देखा होगा, वहाँ पर पाकिस्तान क्रेडिट हाई था और अफगानिस्तान का जो क्रेडिट था वो भी उनके बराबर का ही था दोस्तों, है ना। तो आपने देखा होगा मैच कैसा हुआ था, आप खुद को बताया कि लास्ट बॉल में मैच गया था, वहाँ पे नसीम शाह ने अच्छी मतलब कि बाई चांस उनको उनका गुड लक था कि उनको मुकाबला वो जीत गए दोस्तों, नहीं तो वो मुकाबला अफगानिस्तान को जीतना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों पूरा देखो वहाँ पे निर्मला गुरबाज ने अच्छी खासी बैटिंग की थी, तो वो चीज़ें कभी कभार गलती होती रहती है। बात करते कॉम्बिनेशन की, 3-2-3-3, 2-3-2-4, दो कॉम्बिनेशन अपन ट्राई करते हैं। हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, जो बात अपने सीवीसी की बात की है वो अपन अप्लाई करते हैं और टीम क्रिएट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो प्लेयर लास्ट मुकाबले खेले थे मैं उन्हीं को पिक कर रहा हूँ, हो सकता है इनकी जगह कोई प्लेयर दूसरे खेले तो हो सकता है, लेकिन मिचेल शेटनर खेल भी सकते हैं दोस्तों, अभी इनको पिक कर रहे हैं, फिर आप उनको देख लेना दोस्तों। ठीक है, कि अभी आपको पता 30 अगस्त से यहाँ पे T20 मैच होने वाले हैं, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, मतलब अच्छे मैचेस आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आपको बताया कि 30 अगस्त से ही आपके एशिया कप स्टार्ट होने वाला है, तो ये चीज़ है।
यहाँ पे बात करते हैं एडवांस सेक्शन की। कोई फिक्स, देखो फिक्स प्लेयर किसी को कर रहे हो तो देखो जिस टीम को फेवर कर रहे हो उसकी भी आपसे आप एनालाइज कर लो। जैसे कि मानते हैं, पहले मानते हैं कि हम मैनचेस्टर को फेवर कर रहे हैं, तो मैनचेस्टर को फेवर करो तो बटलर को फिक्स कर लो। यहाँ से आप रियान मेडिसन को फिक्स कर लो। बॉलिंग साइड से आप जेमी वोल्टर या पी वोल्टर को फिक्स कर लो। किसी को मत करो यहाँ पे जोस्ट होंगे और यहाँ पे सी एडिसन, इन चार प्लेयर को फिक्स कर लो। यदि ये अच्छा करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आपकी टीम बन जाएगी। दोस्तों कंडीशन ये है कि आपकी जो मैनचेस्टर की टीम है वो अच्छा करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। फिलिप सॉल्ट कैप्टन और यहाँ पे विंस कैप्टन, और यहाँ पे आप मेडिसन को कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। और बॉलिंग साइड से थे रियान अहमद थे आपके, और यहाँ से थे अपने जोस्ट होंगे दोस्तों। ये अपने कैप्टन थे, एक दो तीन चार कैप्टन थे दोस्तों। वीसी की बात करें जो कि आपके जोस बटलर, डी कोनवे, ल्यूस डीफ्लोई को ट्राई कर सकते हो, या मेडिसन, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। और क्रिस जॉर्डन और सी हैरिसन दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइमन विल्स को सी वी सी ट्राई नहीं करूँगा। मेरे को जहाँ तक लगता है टाइमन विल्स आज के मैच में एक या फिर दो ही विकेट लेंगे, इससे ज़्यादा विकेट टाइमन विल्स नहीं लेंगे। वो मैं जॉर्डन की बात करूँगा, क्रिस जॉर्डन भी यहाँ पे आज के मुकाबले में एक या फिर दो विकेट लेंगे, या फिर वो फ्लॉप भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइटली मैं एस ओ बी को फेवर कर रहा हूँ, तो एस ओ बी छः प्लेयर, पाँच प्लेयर मैनचेस्टर को पिक कर रहा हूँ, और 6-5 को ट्राई करेंगे, 6-5 नहीं 5-6 ट्राई करेंगे। पांच प्लेयर में हाई सिलेक्शन पिक करूंगा, 9 प्लेयर थे ना, 9 में से सिर्फ 5 को ही ट्राई करूंगा दोस्तों। यहाँ पे देखो 83 से 86 ऑटोमेटिक सिलेक्शन आ गया है। कॉम्बिनेशन बना 2-3-2-4, और अपना एक था 3-2 वाला, जो कि नया पैटर्न बनना है ना, नया पैटर्न को ट्राई करते हैं दोस्तों। 3-2-3-3 ये रहा दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ टीम की बात करें तो यहाँ पे 11 टीम बनाते हैं, जो कि टोटली एस ओ बी के फेवर में नहीं कह सकते, लेकिन एस ओ बी की 6 प्लेयर मिलेंगे, मैनचेस्टर के मात्र आपको 5 प्लेयर मिलेंगे। और जो टीम पहले बैटिंग करे आपको उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, चाहे आपको एस ओ बी हो चाहे आपकी मैनचेस्टर हो दोस्तों, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। कमेंट तो आप नहीं करते दोस्तों, चलो कोई नहीं है, लेकिन वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट में लिखना जय हिंद जय भारत।